रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? ए 17%, बी 19%, सी 21%, या डी 23%। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बांका, जदयू विधायक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। 20 एकड़ जमीन पर कब्जा के लिए पहुंचे थे विधायक गोपाल मंडल। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल 20 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए विधायक गोपाल मंडल श्याम बाजार पहुंचे थे, तभी भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों के साथ विधायक की कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जदयू विधायक गोपाल मंडल को घंटों बंधक बनाए रखा। इसकी सूचना पर पहुंचे बौसी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल को ग्रामीणों से रिहा कराया, जिसके बाद विधायक ने 24 मार्च को कागजात के साथ फिर आने की बात कही। विधायक को बंधक बनाए जाने की बात आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पिछले 9 माह पूर्व एक प्लॉट नंद किशोर शाह से खरीदी थी, लेकिन मोटेशन होने के बावजूद जब जमीन की रसीद नहीं काटी गई तो अपने समर्थकों के साथ वे नंद किशोर के पास पहुंचे और वहीं दोनों के बीच टूटू मैमे हो गई। सब कुछ हो रहा है और यह जो घेरा गया इस कारण से जैसे आपका नाम आया तो सब घूमना स्टार्ट कर दिया। नहीं चाहिए जी, सब स्टार्ट हुआ। प्रशासन जैसे क्या आज जो साहब हम गोपीनाथ मंडल कर्मचारी मित्रा जी बोले कि हम नहीं कर सकते हैं, वो बोले समझे ना, फिर हम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग विधानसभा से जो है मिलने के लिए आए हैं तो आपका शांति तो भंग करने के लिए वो तैयार है। हमको जानकारी नहीं था, भंग हुआ जैसे आए तो लाठी भंजने लगा। लाठी कोई नहीं निकाला है, गलत बात मत बोलिए। राइफल जब आप निकाले तो लोग कुछ निकालेगा हो सकता है। इसको 6 महीना लोगों को 8 महीना लॉकडाउन से कम चल रहा है, चल रहा है जमाने से है हो रहा है। आपको इस जमीन के बारे में क्या जानकारी देगा? आपका घर उस पर, जमीन यहाँ का दी, यहाँ का लोग नहीं जानेगा। पहले पड़ती था हम जो आए थे ना, जमीन हम लिखवाया है यहाँ पर 20 बीघा ना, तो वो हमको जानकारी नहीं था क्या बात है। रसीद नहीं कटने लगा ना, उसके बाद बात बनने लगा था पड़ती। अभी हम देखने के लाए ये सब मकान क्यों बना रहा है, यही बतवार कोई बात ही नहीं है। नहीं तो इतना राइफल लेके आने का क्या जरूरत है, जब देखने के लिए राइफल इतना लेके चलते हैं भाई। नहीं ये तो ठीक है अंकल, आप लेकर के चलते सब बात सही है, पर लोग को तो डर हो गया ना। जदयू का विधायक राइफल बम लेके चलता है, मुझे तो उसमें परती था या क्या खरीदा है? परती था और घर भी मकान भी उसमें है। आपने जो केवाड़ा करा है उसमें नीतीश कुमार क्या बोला है, बम और राइफल लेके चलिए 50 आदमी का अरेस्ट कचहरी। आप सुनिए, अब अरेस्ट कचहरी कैसे मामा है? नहीं आप ये केवाड़ा में हसी लेता है कि बहुत सारा घर वालों का जमीन है। हाँ बम वाला झोला कहाँ गया?
अरे बमला झोड़ो अरे एक आदमी लेके आया था चरुआ और हेलो संभाल लेके आया हेलो नीतीश कुमार का बम चलवा गया डॉक्टर राणा का वो डॉक्टर राणा का सीबीआई केस चल रहा है जमीन को भी आपने अब जब हम आए थे ना उस टाइम में पड़ती था आठ नौ महीना हो गया लिखाया हुआ लिखा है उसके बाद घर बना हम देखने गए कि कहाँ कहाँ घर बना रिपोर्ट समझा नहीं ये बात और कहीं कोई बात नहीं है विधायक जी अभी पूरा भी हो गया है आप सत्ता पक्ष के आदमी हैं इस तरह की बात हो जाती है इतने इतने लोग क्या कारण है इतना सत्ता पक्ष के लोग हैं हम जमीन नहीं थे हम बोला घर बन रहा है हम देखने के लिए आए कि कहाँ घर बन रहा है बना हुआ बहुत देखे हम नहीं इन लोगों का भी तो 20-25 साल पहले हम नहीं जानते थे भाई हमको जानकारी का अभाव में अच्छा ठीक है। भागलपुर के दो थाना क्षेत्र के सीमा पर एक युवक के अपराधियों ने गोली मारकर ले ली जान। भागलपुर के हबीबपुर थाना और मधुसूदनपुर थाने के सीमा के छोटी बाथरपुर के समीप अज्ञात अपराधी ने एक युवक की गोली मारकर जान ले ली। मृतक युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के छोटी दिघी निवासी बटेसर मंडल के पुत्र विपिन कुमार के रूप में हुई है। वहीं संबंध में मृतक विपिन कुमार के पिता बटेसर मंडल ने बताया कि विपिन ठेकेदारी का काम करता था। अभी हाल में ही नूरपुर और अन्य स्थानों पर उन्होंने मकान बनाने का ठेका लिया था। कुछ दिन पहले ही विपिन घर से निकला था। बटेसर मंडल ने विपिन के पूर्व सहयोगी छोटी दिघी निवासी नंदू मंडल पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। क्या घटी है? गोली मार दिया। कौन है आपका? मेरा क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नंदू मंडल से था। क्या विवाद? हाँ विवाद दोस्त था। दोस्त था और नंदू मंडल मतलब जो है धमकी भी दिया था कि मतलब कि 5 लाख टका देते हैं उसको विपिन को मार के लो। नंदू मंडल कहाँ का है? विवाद वही बताए ना मतलब कि उसके साथ में मतलब 5 साल लगभग उसके साथ में रहा था। क्या चीज करता था? मतलब काम करता था। क्या काम करता था? रंगी का काम करता था। रंगी रंगाई पोताई? हाँ नहीं नहीं रंगाई पोताई नहीं कपड़ा रंगाने का। और आपका बेटा मिलके काम करता था? हाँ अच्छा। उसके बाद मतलब दोनों में जो है ना मतलब विवाद हो गया। विवाद होने के बाद जो है मतलब ये साल भर से चल रहा है। धमकी दिया था कितने दिन पहले? धमकी दिया वही साल भर पहले। पुलिस को सूचना दिए थे? हम उसको मतलब बचवा कहे थे कि बेटा तुम सुरक्षा होके चलो। पुलिस को क्या कर जाएंगे मतलब है कि जब लड़कबा मतलब जब बातें नहीं मानता था हम के बेटा कि तुम बेटा तुम तो निकलो नहीं मगर निकलते हुए वो मतलब कुछ प्लॉटिंग भी किया था। हाँ उसका बाद मतलब है कि अभी ठेकेदारी के मतलब कुछ रुपया दिए हैं ठेकेदारी अभी क्या चीज का वो मकान ठेकेदारी। क्या नाम हुआ आपका? बटेश्वर मंडल। मृतक का? विपिन कुमार। कहाँ घर हुआ? रात के अंधेरे में बाईपास और एनएच पर शुरू होता है गुंडों का आतंक। फाइनेंसर कंपनी के नाम पर होती है जमकर अवैध वसूली। शिकायत दर्ज। भागलपुर में रात के अंधेरे में फाइनेंसर कंपनी के नाम पर स्थानीय कुछ गुंडे जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। यही नहीं इन गुंडों का तालमेल भी संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ काफी तगड़ा है। ये लोग पहले वाहनों को रोकते हैं फिर वाहन चालकों को ओवरलोड कंपनी का किस्ती सहित अन्य मामलों में उलझाकर उनसे वसूली का खेल शुरू कर देता है जिससे बाईपास और एनएच पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में आम लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। उक्त बातें जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कही। यही नहीं दीप नारायण सिंह ने इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि क्राइम मीटिंग में व्यस्त होने के कारण एसएसपी नितासा गुड़िया से दीप नारायण सिंह की मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने जिलाधिकारी एसएसपी भागलपुर और नौगछिया एसपी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा दिया है। इस संबंध में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि रात होते ही सड़कों पर फाइनेंस कंपनी के कुछ गुंडे का आतंक शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से वाहन रोकने के कारण विक्रमशिला सेतु पर लगातार जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं फाइनेंसर के नाम पर जो अपराधियों के द्वारा सड़क पर अवैध वसूली ट्रकों से की जा रही है उसके खिलाफ़ में हम लोग आवेदन देने आए हैं।
और अभी क्राइम मीटिंग उनकी चल रही है, पर आवेदन देने आए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया हूँ और यहाँ भी देने आए हूँ। और इसमें हम लोग ने शिकायत किया है कि फाइनेंसर के नाम पर जो अपराधी सड़क पर दिन रात रात भर मतलब सड़कों पर अवैध हथियार लाठी डंडा लेकर ट्रकों वाले से रोकते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं देने के बाद मारपीट भी करते हैं, इसी के खिलाफ में हम आवेदन देने आए हैं कि इसको तत्काल सड़क पर से हटाया जाए और उस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ में काम करेंगे। जो लोग हृदय मचा रहा है, क्या फाइनेंस करने के कर्मी है, फाइनेंस कंपनी के कर्मी है? नहीं, कोई कर्मी नहीं, कर्मी का लाइसेंस रहता है, उसका लाइसेंस का कलेक्टर सर्टिफिकेट थाना में जमा होनी चाहिए और वह घर पर नोटिस जाएगी, नोटिस के बाद गाड़ियों को पकड़ने का आदेश है, न कि कोई भी आदमी आया सड़क पर हम फाइनेंसर का नाम बन गए, हम गाड़ी से पैसा तसीलने लगे, पकड़ने लगे, ये नियम नहीं है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया सबको बोरे में पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल ले जाने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने गोपालपुर व कुर्सेला पुलिस के एक एक पुलिस पदाधिकारी को किया निलंबित, तो मचा हड़कंप। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी गांव के तेजू यादव के 13 वर्षीय पुत्र हरिओम यादव की मृत्यु गंगा पार करने के दौरान हो गई थी, जिसका शव 3 मार्च को कुर्सेला थाना क्षेत्र के खेरिया गंगा घाट पर छत विछत हालत में मिला था। परिजनों की सूचना पर गोपालपुर थाने के दरोगा राजदेव रमन व कुर्सेला थाने के जमादार नंदलाल चौधरी मौके पर पहुंचे और कानूनी औपचारिकता पूरी कर छत विछत शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल ले जाने के बजाय मृतक हरिओम यादव के पिता तेजू यादव को दे दी। गरीबी से जूझ रहे मृतक के पिता तेजू यादव प्लास्टिक की बोरी में अपने जिगर के टुकड़े के शव को लेकर पैदल चलकर कुर्सेला बस स्टैंड पहुंचे, जहां से बस पकड़कर भागलपुर सदर अस्पताल पहुंचे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस मुख्यालय ने मानवाधिकार का उल्लंघन मामला मानकर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने गोपालपुर के थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु आरक्षी उपाधीक्षक के साथ मृतक के घर जाकर परिजनों से मामले की जानकारी ली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच की गई है और जांच के क्रम में यह पाया गया कि वहां कुर्सेला और गोपालपुर थाना की पुलिस पहुंची थी, जिसमें कुर्सेला के सहायक अवर निरीक्षक नंदलाल चौधरी और गोपालपुर के अवर निरीक्षक राजदेव रमन के साथ के द्वारा भारी लापरवाही बरती गई और असंवेदनशीलता का परिचय दिया गया। इस आरोप में दोनों पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखें और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको सुनिश्चित करें। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं से जुड़े कानून की दी जानकारी। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय भागलपुर के निर्देशानुसार नवगछिया अनुमंडल विधिक सेवा समिति के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव सह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पंकज कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को महिलाओं से जुड़े कानून के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई अहम जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकार उनसे जुड़े कानून को बारीकी से छात्राओं को बताया। कार्यक्रम में पैनल के अधिवक्ता नंदलाल यादव ने भी छात्राओं को इस कानून की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। वहीं दूसरा विधिक जागरूकता कार्यक्रम नवगछिया अनुमंडलीय उपकारा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी कुमार पंकज ने बंदियों को जागरूक किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सारी महिलाएं थी, एक तरह से ये सब कुछ एग्जांपल है, मतलब महिला सशक्तिकरण का, मतलब अनेकों एग्जांपल है, ये तो मतलब कुछ एग्जांपल है, लेकिन पता लगता है कि धीरे धीरे महिला ऐसे बढ़ रही है आगे, मतलब जो पुरुष प्रधान सोसाइटी थी हर तरह से चैलेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले बोला जाता था कि आर्मी हो गया, डिफेंस फोर्सेस वगैरह हो गया, कि मतलब लोग उसको मतलब इस तरह से क्या बोलेंगे,
मतलब मैनलीनेस या बरदानगी को लेकर चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। मतलब आप में अगर पोटेंशियल है, आप इरेस्पेक्टिव आप महिला है या पुरुष है, उससे मायने नहीं रखता है। अभी भी आप देखिएगा कुछ कुछ स्पेशल ग्रुप इंडिया में अभी नहीं हुआ है, जैसे एनसीसी में है, आप लोग को जानकारी होगी, जैसे कॉम्बैट ग्रुप होता है, स्पेशल कॉम्बैट ग्रुप होता है, जैसे फॉरेन जर्मनी ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूके वगैरह में, उसमें महिला भी शामिल है। मतलब खतरनाक से खतरनाक, मतलब टेररिस्ट ऑपरेशन वगैरह हो गए उसमें महिला रहती है, लेकिन इंडिया में अभी वो चीज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे है कि आर्मी भी ये कर रही है कि इनको भी कॉम्बैट ग्रुप में डालेंगे, और फाइटर पायलट तो बना ही रहे, और धीरे धीरे करके और भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एनसीसी कैडेट्स है तो एक तरह से वो आइडल हो सकती है आप लोग के लिए, बहुत अच्छी आइडल भावना। यहाँ तक एक ज्योति पासवान जी हैं, उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। इस बार सबको पता ही होगा उनके बारे में, ज्योति पासवान जो साइकिल चला के आई थी कोरोना पीरियड में। ठीक है, उनके बारे में इवांका पता किसी को नहीं था, लेकिन इवांका ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, तो मतलब हम इंडियंस की आदत होती है अगर कोई बाहर वाले कोई कुछ कर दे तो फिर उसके बाद ये हो जाता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मतलब छोटी सी लड़की, मतलब इतना दूर, इतना कोरोना काल में जब आदमी को सांस लेने में डर लग रहा था, उस समय वो 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चला के मतलब साइकिल अपने पिताजी को लेके अपने घर लेके आई, और मतलब आज के समय में उनको बहुत एम्बेसडर भी बनाया गया है बहुत सारी चीजों का। तो ये भी एक अपने आप एक महिला सशक्तिकरण का बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल है, अगर बिहार के नजरिए से हम लोग देखें तो। जैसे कोर्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे कॉलेज की लड़कियां हैं, जैसे बहुत बार ऐसा होता होगा कि थोड़ा मतलब हैरासमेंट का कभी कभी फेस करना पड़ जाता होगा आप लोगों को, कोई लड़के हो गए, ये हो गया, टिका टिकनी हो गया, रास्ते रास्ते वगैरह में ये सब चीजें। तो मतलब कि हमेशा कोर्ट के दरवाजे और पुलिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए, ऐसा लगता है, ऐसा मतलब एक परसेप्शन बन गया है कि अगर हम थाने में जाएंगे लोग मतलब हेल्प नहीं करेंगे। मतलब ठीक है, कभी कभी परेशानी हो सकती है, लेकिन 99% आप कभी भी देखिएगा कि सड़क में भी शेरनी दल वगैरह हमेशा रहते हैं, और पुलिस वगैरह भी हमेशा आतुर रहते हैं कि मतलब उन लोग को भी नौकरी का खतरा है, अगर आप कंप्लेन करेंगे और वो लोग उस पर एक्शन नहीं लेंगे। हम लोग जान रहे हैं क्योंकि हम लोग लॉ ऑर्डर फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर महिला का कोई भी मैटर है, कोई भी उनको कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी से कोई भी रिलेटेड कोई चीज है, तो तुरंत उसको त्वरित निष्पादन करना है। तो ये चीज आप लोग नहीं सोचिए कि हम लोग नहीं जाएंगे, दिक्कत क्या हो जाती है, कोई राह रास्ते में कोई छेड़ के चला गए तो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत वहाँ पे होती है कि आप लोग। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया एसपी ने शहर एवं नवगछिया स्टेशन के विधि व्यवस्था का लिया जायजा। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने रविवार की देर रात शहर में निरीक्षण का व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नवगछिया शहर के मेन रोड, स्टेशन रोड, बौसला रोड का पैदल मार्च कर शहर में निर्धारित की गई पुलिस व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नवगछिया स्टेशन एवं स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे, जीआरपी थाने के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसपी ने इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने नवगछिया थाना अध्यक्ष को पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज करने का निर्देश देते हुए हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। रेल पुलिस को होली त्योहार को लेकर शराब को लेकर विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया। नवगछिया 200 लीटर अर्धनिर्मित एवं 20 लीटर निर्मित देसी शराब बरामद। खरीक पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कालूचक गांव में विवेक सिंह के मक्का के खेत में रेड किया। वहीं लगभग 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब और 20 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए कहा कि अर्धनिर्मित शराब को वहीं पर नष्ट किया गया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन, आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
नवगछिया, प्रसाद खाने से नहीं पुरानी बीमारी से हुई कैलाश सिंह की मौत। पटना में चिकित्सक ने दे दिया था जवाब, घर आने के क्रम में ट्रेन पर नारायणपुर स्टेशन के समीप हुई मौत। नवगछिया के नगर निवासी कैलाश प्रसाद सिंह की मौत प्रसाद खाने से नहीं बल्कि पुरानी बीमारी के कारण हुई है। कैलाश प्रसाद सिंह के पुत्र केसर प्रसाद सिंह ने बताया कि उनके पिताजी को हार्ट और लिवर में समस्या थी, जिसके कारण वे प्रत्येक माह पटना इलाज कराने के लिए जाते थे। पिछले माह में ही उन्हें चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था। शुक्रवार को वे लोग एक बार फिर चिकित्सक से दिखाने के लिए पटना गए थे, लेकिन वहां चिकित्सक ने उन्हें चंडीगढ़ में दिखाने की सलाह दी। उन लोगों ने सोचा कि पहले वे लोग घर जाएंगे और चंडीगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। वे शनिवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस से वापस नौगछिया अपने पिताजी को लेकर आ रहे थे। इंटरसिटी एक्सप्रेस नारायणपुर के आसपास पहुंची थी। उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गए और वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। मृतक के पुत्र ने कहा कि प्रसाद खाने की वजह से हुई मौत अफवाह है और पूरी तरह से झूठी है। बीमारी की वजह से उन्होंने तो प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया था। मृतक कैलाश प्रसाद सिंह अपने पीछे चार पुत्रों को छोड़ गए। श्री सिंह की मृत्यु के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। वहीं बताते चलें कि प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़े 50 से अधिक लोगों में से अधिकांश की स्थिति अब सामान्य होने लगी है। हालांकि इक्के दुक्के लोग हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, जिनमें गांव के ही नीलू सिंह अभी भी पूर्णतया ठीक नहीं हुई है। नीलू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी स्थिति में काफी सुधार है और वह अब ज्यादा बीमार नहीं है। दूसरी तरफ अपना नाम नहीं छापने पर एक साथ एक ग्रामीण ने बताया कि उनकी स्थिति भी ठीक हो रही है। वहीं एक ग्रामीण चिकित्सक ने कहा कि 4 से 5 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन उन लोगों की जान खतरे से बाहर है। ग्रामीण चिकित्सक ने कहा कि कैलाश प्रसाद सिंह की मौत प्रसाद खाने से नहीं बल्कि पुरानी बीमारी से हुई है। उन्हें जानकारी है कि कैलाश प्रसाद सिंह करीब 1.5 वर्ष से पटना में इलाज करवा रहे थे। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि कैलाश प्रसाद सिंह की मौत प्रसाद खाने की वजह से नहीं हुई है। उन्हें जानकारी मिली है कि वे बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई है। नारायणपुर, देसी शराब के साथ मां बेटा गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनोल गांव से शनिवार की देर रात्रि भवानीपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने गुप्त सूचना पर एएसआई हसीन अहमद खान पुलिस बल की मदद से 12 लीटर देसी शराब के साथ गनोल निवासी राजकुमार सहनी की पत्नी सरिता देवी पुत्र मृत्युंजय कुमार मंडल को 55 पॉलिथीन के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर मां बेटा को पीएससी नारायणपुर में स्वास्थ्य जांच के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंती नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 एके झा 9472833513। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल।
संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।